मुरादाबाद मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूरी पर सिंचाई विभाग का एक ऐसा दफ्तर है जहां पर ब्रिटिश दौर से आज तक बिजली नहीं मिली है। वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना बिजली के ही काम करना पड़ता है। दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो 164 सालों से आज तक यहां बिजली नहीं पहुंची। कहने सुनने में ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आज के इस दौर में भी कोई सरकारी दफ्तर ऐसा हो सकता है क्या जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हो? लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तहसील कांट इलाके के सिंचाई विभाग की, जहां सिंचाई विभाग विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनदेखी कहिए या फिर लापरवाही, बिना बिजली के ही करीब 164 सालों से यहां पर कर्मचारी जाड़ा गर्मी बरसात झेल रहे हैं और बिजली के न होने से परेशान हैं। अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1859 में कांट तहसील में बने इस दफ्तर में आज तक एक बिजली से जलने वाला बल्ब तक दिखाई नहीं दिया। यहाँ पहले के कर्मचारी केरोसिन लैंप और कैंडल का इस्तेमाल करते थे, जबकि मौजूदा दौर में ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल फ़ोन के टॉर्च का इस्तेमाल होता है। सिंचाई विभाग की ये इमारत देखने से ही ब्रिटिश दौर की बनी हुई है। इसके दर दीवार बनावट ब्रिटिश दौर की याद दिलाती है। सिंचाई विभाग के दफ्तर के आसपास जंगल का दृश्य दिखाई देता है। दफ्तर को जाने के लिए कच्चा और संकरा रास्ता है, जिससे कर्मचारियों को दफ्तर के अंदर चार पहिया वाहन ले जाना दुश्वार हो जाता है। सिंचाई विभाग का ये कार्यालय खेतों के बीच में बना है और ऐसे में यहाँ काम करने वाले 17 कर्मचारियों को उम्मीद है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का ध्यान जाएगा, तब शायद सिंचाई विभाग के दफ्तर के दिन बदलेंगे। जानकारी के मुताबिक इस साल जून और जुलाई माह में काफ़ी भीषण गर्मी हुई, जिसको देखते हुए कर्मचारियों ने एक सोलर पैनल लगवा लिया था, जिससे दफ्तर में एक पंखा चलता रहता है और कुछ हद तक दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों को उस पंखे से राहत मिलती है। ग्रामीण बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश तोमर ने बताया कि सिंचाई विभाग यदि बिजली के लिए आवेदन करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी। यदि वो हाल फिलहाल में कोई आवेदन करते हैं तो उनकी मदद अवश्य दी जाएगी। अगर सिंचाई विभाग द्वारा कोई उसको विद्युत संयोजन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो विद्युत विभाग अपने नियमानुसार उसमें कार्रवाई जो है संयोजन को निर्गत करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी कोई कार्रवाई इसके संयोजन के अंतर्गत नहीं की होगी, अगर वो आज करेंगे तो जो है उसमें जैसे भी नियम का है नियम है उसके हिसाब से तो उसके संयोजन निर्गत करने के लिए कार्रवाई करा दी जाएगी। तो ये कितना पुराना कार्यालय है? ये तो अंग्रेजों के टाइम का कार्यालय है। अच्छा। और अंग्रेजों के टाइम से इसमें पंखा भी वो वाला लगा हुआ था जिसे आदमी खींचते थे। अच्छा, खींचने वाला। हाँ। तो और बत्ती का कोई वो नहीं है यहाँ भी। अच्छा, अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक नहीं है। अच्छा, तो ये आप जाते हैं यहाँ, आपने देखा स्टार्टिंग से ही नहीं है? नहीं है भाई, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं बिल्कुल। अच्छा, है ही नहीं।